नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको थ्री फेज लोको का बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। यानी कि थ्री फेज लोको को बैंकिंग में जोड़ने का आपको आदेश दिया जाए तो उसमें आपको क्या-क्या कार्रवाई करनी है। साथियों, अगर आपको और भी जो भी वीडियो देखने हों वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो वीडियो देखना हो वो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं और ऑडियो की भी खबरी ऐप है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ, उसको भी आप सुनकर आनंद लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो आइए बात करते हैं बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज लोको। जब भी कोई ट्रेन होती है और कहीं चढ़ने में असमर्थ है या दुर्गम रास्ते पे वो जाने वाली है, तो आपको ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि आप उस ट्रेन के बैंकिंग ऑपरेशन में लग जाइए और आप अपना लोको को अटैच कीजिए। तो बैंकिंग ऑपरेशन में जाके करना क्या है, जैसे ये कोई ट्रेन इधर जा रही है और ये BVG है, तो यहाँ पे आपको अपना लोको लगाना है। तो लोको को लागे पहले इधर खड़ा करेंगे 20 मीटर और धीरे धीरे जाके यहाँ पे BVG के साथ में अटैच करेंगे। इस बात का हमको पहले ध्यान रखना है। और जैसे ही अटैच कर देवें, एक बार अटैच करने पर हमको BLD के द्वारा VCB ओपन कर देना है। VCB ओपन करके क्या करेंगे, LSTJ लैंप का प्रकाशित होना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद में जो मोड स्विच है, मोड स्विच उसको वो हमेशा लीड पे रखा रहता है, तो लीड से HLPR को अपन हेल्पर भी बोलते हैं, तो लीड से HLPR पर रख देंगे। कब, जब VCB ओपन किया तब। और उसके बाद में Z-Band स्विच, Z का मतलब स्विच है, बेन का बैंकिंग, उसको भी हम ऑन कर देंगे। VCB ओपन है तभी ये दोनों को कर देना है, ठीक है। और देख लेना है कि DDS पर पहले से कोई मैसेज नहीं है, मैसेज हो तो पहले उसका जो भी ट्रबल शूटिंग करना वो करेंगे। अब ये करने पर क्या मैसेज आएगा, ये जैसे आप करेंगे, अब VCB क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही ये मैसेज आ जाएगा, लोको इज इन बैंकिंग मोड, लोको इज इन बैंकिंग मोड, यानी कि लोको बैंकिंग मोड के लिए तैयार हो गया है। और ये SS10 का ब्रेक सिस्टम का मतलब मैसेज है वो आ जाएगा। और लोको ब्रेक कंट्रोलर आइसोलेट, इमरजेंसी ब्रेक कैन बी अप्लाइड, यानी कि लोको का जो N9 है वो अब ग्रेजुअली जो ऑपरेट करते हैं ना अपन, थोड़ा थोड़ा वो नहीं होगा, बाकी इमरजेंसी पे तो वो काम करेगा, क्योंकि इमरजेंसी पे तो डायरेक्ट पाइप जुड़ी हुई रहती है। तो ये वाला मैसेज इंपॉर्टेंट है। तो ये मैसेज आ गया तो मतलब लोको जो है वो बैंकिंग के लिए तैयार हो गया है। ये कौन सा मैसेज है, F1001P2 होता है, F1001P2। हालांकि ये याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, ये याद रह गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बैंकिंग के लिए तैयार हो गया है। बस खाली ये ZBN का अपन को ध्यान रखना है, ये जो है वो VCB ओपन करके ही करना है। अब क्या हुआ, ये मैसेज आया, इसको हम क्या करेंगे, एक्नॉलेज कर देंगे। एक्नॉलेज करने के बाद में BPFS से वो मैसेज चला जाएगा और अब VCB को क्लोज कर देंगे। और अब फिर से देखेंगे कि अब DDS पर मैसेज बचा तो नहीं, क्योंकि BPF को दबाने से ये मैसेज चले जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई मैसेज बचा है तो उसके अनुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब आपका लोको जो है बैंकिंग ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया है, आप बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। A9 अपने यहाँ से काम नहीं करेगा और हम नॉच वगैरह जो लेना चाहेंगे वो नॉच आएंगे, BP प्रेशर आगे वाले लोको से ही बनेगा। और इस लोको में क्या होगा, SN9 जो है ना वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कट ऑफ नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये कार्य करता है लेकिन लगाना नहीं है, चलती गाड़ी में कभी व्हील स्किड हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये नॉलेज के लिए है कि ये कार्य करता है। और A9 जो है वो इमरजेंसी पे कार्य करेगा, बाकी किसी पोजीशन पर कार्य नहीं करेगा। तो ये हुआ जब आपका लोको इनर्जाइज था और आपको ऑर्डर दिया गया कि आपका लोको ले जाके इस गाड़ी के पीछे यहाँ पे अटैच कर दो, तो अपन को ये कार्रवाई करना था। अब कभी कभी क्या होता है कि लोको हम इनर्जाइज खुद ही इनर्जाइज कर रहे हैं, लोको बंद पड़ा हुआ है और उसको बैंकिंग के लिए तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, BL चाबी को ऑफ पोजिशन में डालकर DP ले जाएंगे, यानी कि लोको इनर्जाइज कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और उसी समय यानी कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन कर दिया, ऑन करके मोड सिलेक्टर स्विच है उसको HLPR पर रख देंगे और ZPT से पेंटो को रेज करेंगे, ZBN को भी ऑन कर देंगे, उसके बाद VCB क्लोज करेंगे।
और यहाँ भी जब आप ZBN को ऑन करोगे तो यही वाला जो मैसेज है, ये वाला मैसेज ये उस लोको में भी आ जाएगा। यहाँ भी बात को ध्यान में रखो, हालांकि आप तो अभी इनर्जाइज करो, इनर्जाइज से पहले पहले आपने ZBN को मरोड़ दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि VCB क्लोज करके ही ये करना है और DDS पर देख लेना है कि कोई भी दूसरा कोई मैसेज तो नहीं है। इस प्रकार ये बैंकिंग ऑपरेशन के लिए ये लोको इनर्जाइज करते समय भी तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी आपको बैंकिंग के लिए लोको लगाने, इसका सारांश ये ध्यान रखना है कि HLPR और ZBN को VCB ओपन करके ऑपरेट करके VCB को क्लोज कर लेना है, सारांश ये हुआ। बाकी जो विधि है उसको तो ध्यान में रखना ही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो कमेंट करके अवश्य लिखें और वीडियो को देखते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।